गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद केके सिंह में हाजिर हैं अपना टेस्ट नंबर 2 लेकर या पेपर नंबर 2 लेकर। आज हम लोग करने जा रहे हैं थोड़ा सा जीओसी में आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ 20 क्वेश्चंस हैं। शुरुआत इन दो क्वेश्चंस के साथ है। ये रहे शुरू के 2 क्वेश्चंस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है आपसे। कह रहा है बताइए व्हाट विल बी द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या हो। सबसे पहले तो नंबरिंग कर ली जाए। कह रहा है स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कार्बन का मतलब हो गया है आपका रूट वर्ड हो गया है हेक्स। और क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है बेटा, यदि 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं तो ए जोड़ दिया जाता है, रूट वर्ड हो गया है हेक्सा। अब ये बताइए हेक्सा में 2 डबल बॉन्ड्स है तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, डाई ई। पोजीशन पूछ रहा है, एक 2 नंबर पर है, एक 4 नंबर पर। ये जेड और ई क्या लिखे हुए हैं, सवाल है ये। आइए मैं आपको जेड और ई याद दिलाता हूं। ई का मतलब होता है एंटीजन और जेड का मतलब होता है जुसेमैन। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता है कुछ ऐसे कि मान लीजिए ये आपके पास 2 ब्यूटीन बनी हुई है, यदि दोनों के दोनों सेम टाइप के ग्रुप्स या हायर प्रायोरिटी के CH3 सेम साइड में हैं तो इसे बोला जाता था जेड या जुसेमैन। देखने में ये जेड कैसा लगता है, वोट जैसा। तो जो बोट नाव जैसा दिखे वो होता है जेड, और इसी को यदि हम ऐसे करके बनाते थे चेयर जैसा तो इसे बोला जाता था एंड जेजन, यानी अपोजिट इसे बोला था जेड जुसेमैन यानी टुगेदर। तो यदि आप यहां से देखिए 2 नंबर से शुरू करते हैं तो बताइए इसके अकॉर्डिंग दोनों सेम साइड में हैं। यदि सेम साइड में है तो ई हुआ या जेड हुआ, ऑब्वियसली जेड हुआ, तो 2 नंबर पे क्या हो गया, जेड। और 4 नंबर पे देखिएगा इतना पोर्शन, क्या आपको ये कुर्सी जैसा लग रहा है, यदि आपको ये चेयर जैसा लग रहा है तो ये क्या हो गया ई, तो 4 नंबर पे क्या हो गया ई, तो इसे बोलते हैं 2Z4E hexadiene। क्लियर है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एसिड इज मोस्ट हाईली आयोनाइज्ड इन वाटर, यानी सबसे ज्यादा एच आयन कौन देगा, सबसे ज्यादा आयन कौन देगा। सबसे ज्यादा आयन वो देगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बेटा आपने पढ़ा था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I और -M के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I एंड +M। अब ध्यान से देखिए यहां पर 2-2 CH3 है तो यहां पर तो लग गया है +I, कितना 2 टाइम्स 2-2 CH3 का। यहां 1 CH3 CH2 है तो इसका +I लगेगा, यहां 2 Cl है तो इसके माइनस के 2I लगेंगे, यहां भी 2 Cl है तो यहां भी माइनस के 2I लगेंगे। तो पहली चीज, जितना ज्यादा -I इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। अब यहां भी 2I है, यहां भी 2I है, लेकिन ये वाला इसके पास है, और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है यदि डिस्टेंस कम हो जाए। तो जहां डिस्टेंस कम वहां इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक सबसे ज्यादा -I कहां काम करेगा बेटा, यहां पर। इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। आगे चलते हैं अगले 2 क्वेश्चंस पर। ये रहे 2 और सवाल आपकी स्क्रीन पर। कह रहे बढ़ते हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन से पहला दूसरा तीसरा करंट का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है sp3 - π bonds। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, याद है आपको, sp3 - π bonds। जितने पाई बॉन्ड है पहले से शुरू करें भाई, पहले जरा कार्बन को देखिए, सारे बॉन्ड सिंगल सिग्मा नजर आ रहे, एक भी पाई नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। पक्का दूसरे में आइए, क्या दूसरे में, हाँ एक पाई बॉन्ड है क्योंकि डबल में एक पाई होता है एक सिग्मा, यदि एक पाई है तो दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 - 1 यानी sp2। तीसरे पर आ जाइए जरा, इस पे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, यदि 2 पाई हो गए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 - 2 यानी ये हो गया sp, ये हो गया sp2। तो आंसर हो गया है sp3 sp2 sp, आंसर है sp3 sp2 sp। थर्ड आंसर पहले से बोल्ड हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। आइए रैंक ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी, ध्यान से देखना। ये तो बेटा एलिफैटिक है, बाकी दोनों एरोमेटिक है,
और कोई भी एलिफेटिक अमीन हमेशा एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होती है, तो पहला नंबर तो मिलेगा थर्ड क्वेरी, सबसे ज्यादा होगी थर्ड। और ऑर्डर कैसा चाहिए? डिक्रीजिंग, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा, तो थर्ड सबसे ज्यादा, दूसरे और चौथे में है, तो ये दो तो गलत हो गए। अब इन्हें कंपेयर करना है भाई, किसी से भी कंपेयर कर ले। इसका इफेक्ट बता कैसा है? इट हैज माइनस एम माइनस आई, और माइनस एम माइनस आई बेसिक करेक्टर को घटाते हैं, एसिडिक को बढ़ाते हैं, तो इसका बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। फर्स्ट से सबसे ज्यादा हो गया थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, क्योंकि माइनस एम माइनस आई डिक्रीज द बेसिक करेक्टर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। लीजिए पहला, कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। आ जाइए भाई, सबके लिए देखना शुरू करते हैं। NO2 का इफेक्ट बताइए, माइनस एम। Cl का बताइए, इसका मेसोमेरिक काम नहीं करता था, इसका इंडक्टिव ज्यादा डोमिनेंट होता था, और इसका होता है प्लस एम। और एसिडिक कैरेक्टर प्लस एम घटाएगा, माइनस आई बढ़ाएगा, माइनस एम ज्यादा बढ़ाएगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? थर्ड। थर्ड के बाद कौन सा होगा? सेकेंड। तो सबसे ज्यादा थर्ड है, फिर सेकेंड है। अब फर्स्ट और फोर्थ में देखिए, यहां प्लस एम घटाएगा या कोई इफेक्ट नहीं है, यानी फोर्थ वाला पहले वाले से ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हो गया है बेटा कौन सा? ऑर्डर बनाया जाए, सबसे ज्यादा हो गया है थर्ड, सबसे ज्यादा है थर्ड। थर्ड के बाद है सेकेंड, देख लीजिए, सबसे ज्यादा थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद फोर्थ, देन फर्स्ट। तो आंसर है पहला। गलती से बोल्ड हुआ है ये आंसर नहीं है, आंसर है फर्स्ट। क्लियर? आगे आ जाइए। टू कन्वर्ट गिवन कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड द बेस्ट रिएजेंट विल बी, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, तो असल में ये ऑर्डर है ऐसा क्योंकि उसे डिक्रीजिंग पूछा है, याद रखिएगा, उसने डिक्रीजिंग पूछा है, यानी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, यहां पे आइए, इस कंपाउंड को एरोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट रिएजेंट कौन होगा? तो AlCl3 क्यों होगा, समझिएगा। AlCl3 आएगा, इस Cl को यहां से खींच ले जाएगा, टूट गया, जैसे ये टूटेगा यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चला जाएगा AlCl3 के साथ, क्या बना लेगा? AlCl4-, क्योंकि लुईस एसिड। यदि यहां प्लस आ गया तो ध्यान से देखिए भाई, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, रिंग कंपाउंड है, दो और दो चार पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और इसका एक लोन पेयर पाई होगा, तो इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि यहां पॉजिटिव नहीं आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में याद रखिएगा, कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो रिंग के जो एटम्स होने चाहिए वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए एरोमेटिक है, क्योंकि हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मौजूद होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपकी स्क्रीन पर। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लस एम इफेक्ट ऑफ OCS3 विल नॉट ऑपरेट, किसमें काम नहीं करेगा? देख भाई, इसमें तो काम करेगा, क्यों काम करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे करके हम दिखा देंगे, तो प्लस एम यहां तो काम कर रहा है, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अवे फ्रॉम इट, यहां पर भी काम कर जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे हो जाएगा। यहां पर आइए, यहां पर भी काम करेगा, क्योंकि यहां से यहां और रिंग के अंदर ट्रांसफर हो ही जाता है। पर यहां पर देखिए, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो यहां पर इसका प्लस एम इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। बाकी हर जगह इसका प्लस एम काम करेगा, लेकिन थर्ड वाले में प्लस एम काम नहीं कर पाएगा, यहां कोई इफेक्ट इसका काम नहीं कर रहा, यहां काम करेगा इसका कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। क्लियर है बात? तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, माइनस। यहां ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये दिखाना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, ES को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर ए क्यों लिखा है? ए का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या होगा रेट। यहां पे O- सबसे ज्यादा प्लस एम होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर इसका हो गया, दूसरे नंबर पर प्लस एम ज्यादा है NH2 का, तीसरे नंबर पर इसका, यहां कोई इफेक्ट नहीं है। रिएक्टिविटी यानी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम प्लस आई, एक्टिवेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
माइनस एम माइनस आई। सबसे ज्यादा प्लस एम पहले पर है तो इसका रेट सबसे ज्यादा, तो मैक्सिमम होगा ए का, ए के बाद सी का, सी के बाद बी का और सबसे कम डी का। आंसर हो गया सेकंड। यह है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपकी स्क्रीन पर। जरा देखिएगा इसका भी इफेक्ट, यदि हम देखें तो इसका भी इफेक्ट प्लस एम है और इसका भी इफेक्ट प्लस एम, तो दोनों रिंग एक्टिवेटेड है। आपको यह बताना है किसका प्लस एम ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन का प्लस एम ज्यादा होगा कार्बन के प्लस एम से, सी एच टू के प्लस एम से। जिसका प्लस एम ज्यादा बस वो रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड, जो रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड उसी पर होगा सब्स्टिट्यूशन किसका, बी आर का। तो बी आर कहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, इस वाली रिंग पर। किस पोजीशन पर आता है, ऑर्थो एंड पैरा पर, बड़ा ग्रुप लगा है तो मेन प्रोडक्ट बनेगा पैरा। यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। अभी पढ़ाया था बेटा एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई माइनस एम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई प्लस एम के। तो जरा देखा जाए यहां पर इफेक्ट लगाते हैं, इसका इफेक्ट कौन सा होता है माइनस, इसका इफेक्ट कौन सा होता है प्लस एम, हालांकि हाइपर कॉन्जुगेशन से होता है। यहाँ पे इफेक्ट कौन सा है माइनस एम, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा प्लस एम है भाई। तो जितना ज्यादा माइनस एम तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया थर्ड, थर्ड के बाद कौन सा हो गया फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा हो गया है थर्ड, थर्ड के बाद हो गया है फर्स्ट, और सबसे ज्यादा थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में है तीसरे में, बाकी ऑर्डर अपने आप सेट कर सकते। आप इतना देख लेते थर्ड सबसे ज्यादा केवल इसमें है और किसी में नहीं, तो यही हो जाता आपका आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। कहते हैं रेट ऑफ एब्स्ट्रेक्शन ऑफ आयोडीन बाई ए जी प्लस, यानी यहां से आई निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा। सिंपल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लीजिए भाई। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन पहला, क्योंकि रेजोनेंस है, क्योंकि सर दूसरे में भी तो रेजोनेंस है, पर दूसरे कार्बोकेटाइन की कमी यह है बेटा कि दूसरा वाला जो है वो एंटी एरोमेटिक है। याद करिए फॉरेन इलेक्ट्रॉन और एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड को कम करते हैं। तो सबसे फास्ट ए देन सी देन बी, सबसे फास्ट ए देन सी देन बी एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी को कम करते हैं। कहते एक्स और जेड की क्या वैल्यू हो कि ये जो फॉर्म लिखिए गॉज फॉर्म ये सबसे स्टेबल हो। यदि इनके बीच चीलेशन हो जाए, याद है इनके बीच क्या हो जाए चीलेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी इंट्रामोलिकुलर, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। और इसके लिए आपको फोन से जुड़ी हाइड्रोजन होनी चाहिए और फोन में ओ से जुड़ी हाइड्रोजन केवल किसके पास है इसके, यानी यदि मैं दो OH लगा दूं एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा, तो ये शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग चीलेशन और इसकी स्टेबिलिटी को कर देगा सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म इनोलेट, यानी कौन इनोल फॉर्म नहीं बनाएगा, क्वेश्चन है कौन कीटो इनोल शो नहीं करेगा। तो आइए जरा देखते हैं, ये तो आपका हो गया फंक्शन। आपको याद है कीटो इनोल की कंडीशंस, मैं आपको याद दिलाता हूं थोड़ा सा, ये कीटो इनोल की कंडीशंस क्या हुआ करती थी। यदि मैं कीटो इनोल की कंडीशंस की बेटा बात करूं, तो कीटो इनोल को कंडीशन कुछ ऐसी हम लोगों ने कभी सीखी थी। याद करिए कि आपके पास होना चाहिए था फंक्शनल ग्रुप लाइक सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। इससे जुड़ा होना चाहिए था अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन पर होनी चाहिए थी अल्फा हाइड्रोजन, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए सिंगली बॉन्डेड यानी अल्फा सी एच बॉन्ड होना चाहिए, ये अनसेचुरेटेड पाई बॉन्डेड नहीं होनी चाहिए। देखा जाए क्या ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, बिल्कुल है। क्या ये अल्फा है, बिल्कुल है। क्या इस पे अल्फा एच है, बिल्कुल है। तो ये तो इनॉल बनाएगा। यहाँ पर आइए, क्या ये आपका रिक्वायर्ड कीटो ग्रुप है, बिल्कुल है। ये अल्फा दोनों साइड से ये भी आपका बनाएगा। यहाँ पर आइए, ये आपका कीटो ग्रुप है, ये अल्फा इस पे भी है, ये भी बनाएगा। ये आपका कीटो ग्रुप है, इधर अल्फा कार्बन है नहीं, इधर अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनॉल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी बेंजल्डिहाइड में कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं। 14 पे आइए, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टीरियो आइसोमर्स, कौन सा आइसोमर है, इनको ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे की क्या है मिरर इमेजेस। भाई एक अवे फ्रॉम अस टुवर्ड्स अस और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला कार्बन जहां बी आर लगा है ये काइरल है। तो कहते हैं दो ऑप्टिकल आइसोमर किस में डिफर करते हैं,
सभी प्रॉपर्टी में सेम होते हैं दो प्रॉपर्टीज को छोड़कर। एक, इनके ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग होते हैं। दूसरा, इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए ये डिफरेंट होती हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, यानी इनकी डिफरेंट इंडेसीज ऑफ रिफ्रैक्शन, इनके इंडेक्सेज या इंडेसीज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे होंगे, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरे पे आइए, दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, बिल्कुल इसी में ये डिफर करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। दे हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज, मैंने बोला था फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होती। दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं होंगे क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी कैसी होती है, सेम। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसके पास होगा। यदि मैं इनोलाइजेशन या इनॉल कंटेंट की बात करूं बेटा, तो शायद कभी आपने पढ़ा होगा कि इनोलिक कंटेंट किसमें कम होता है और किसमें ज्यादा होता है। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, सबसे कम होता है किसमें, एल्डिहाइड्स, जो कॉमन नॉर्मल एल्डिहाइड्स होते हैं, इनमें सबसे कम होता है। गलती से साइन गलत बन गया, इनमें सबसे कम होता है। इनसे ज्यादा होता है इनोल किसमें, कीटोन्स में। इससे ज्यादा होता है बीटा कीटो एल्डिहाइड में, और इससे ज्यादा होता है बीटा डाइकीटोन में, और बीटा डाइकीटोन से भी ज्यादा होगा जो फिनाइल वाले बीटा डाइकीटोन है। यानी बीटा तो है और ऐसा बीटा डाइकीटोन है जिसमें क्या लगा है, फेनिल ग्रुप। ये बीटा लिखा है, बीटा बीआई लिख गया है, बीटा है। लीजिए बीटा, तो इसमें सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा चाहिए तो फिनॉल में होता है। अब जरा ढूंढिए यहां से, ये तो कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, सबसे, यदि मैं ऑर्डर लिखूं तो इसमें सबसे कम होगा, ठीक। उसके बाद कीटोन, ये डाइकीटोन है, देखिए बीटा डाइकीटोन, इसमें फेनिल लगा नहीं। ऑर्डर यदि मैं यहां देखूं तो सबसे ज्यादा होगा चौथे में, चौथे के बाद होगा पहला, पहले के बाद होगा दूसरा, और सबसे कम होगा किसमें, तीसरे में। ये ऑर्डर होता है बेटा इनोलिक कंटेंट का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन पूछ रहे, एक काइरल कार्बन ये रहा, एक काइरल ये रहा। आइए देखा, देखिए यहाँ हाइड्रोजन किस पे है, ब्रोकेनेज पर। इस ब्रोकेन का मतलब क्या होता है, ये कहां पर है, वर्टिकल बॉटम पर, और यहां हाइड्रोजन कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। तो जब वर्टिकल बॉटम पर होता है तो प्रायोरिटी दे दी जाए, पहली ओ की हो गई, दूसरी सी ओ ओ एच की, तीसरी इस वाले कार्बन की। तो हम घुमाते हैं कैसे, एक दो तीन, यदि ये वर्टिकल बॉटम पर है तो जैसा रोटेशन है वही आंसर होता है, कैसा रोटेशन है, आर एच एस। तो इसके लिए तो आंसर हो गया आर, यानी पहला आर होना चाहिए, इसका मतलब पहला और चौथा गलत। अब इस वाले कार्बन को देखते हैं जरा, इसके अराउंड देखना, पहली प्रायोरिटी इसकी हो गई, दूसरी इसकी हो गई, तीसरी इधर कार्बन की हो गई। इसे भी गिना भाई, एक दो तीन, ये कैसा घूम रहा है, एस, अपोजिट डायरेक्शन में, पर ये वाला एच कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पोजिशन में। यदि हॉरिजॉन्टल में है तो जैसा घूमता है उसका रिवर्स आंसर लेते हैं, यानी एस घूम रहा है, इसका रिवर्स यानी आंसर होगा आर, तो दोनों आर। फिर सीखना, यदि इस तरह की लाइन पर एच है, डायरेक्ट घुमा दीजिए जैसा घूम जाए आंसर, और ये सॉलिड वेज पर है फिर डायरेक्ट घुमा दीजिए जैसा घूम जाए अपोजिट होता है आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था जितने भी टू पोजिशन वाले होते हैं सिंगल फंक्शनल ग्रुप के साथ, टू क्लोरोब्यूटेन, टू हाइड्रोक्सीब्यूटेन, या टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनामाइन, ये सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, लेकिन ये इनएक्टिव क्यों है। ये इसलिए इनएक्टिव है बेटा, CH3 और दूसरे ही नंबर पर आपने एक मिथाइल और लगा दिया CH3, देखिए टू मिथाइल और CL लगा दिया, आगे आप कुछ भी लगा लीजिए, तो अब ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन से दोनों कैसे हो गए, सेम, और सेम हो गए तो ये कार्बन काइरल नहीं है, काइरल नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे निकालते थे, सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ एटम्स माइनस वन, और पाई बॉन्ड भी निकालने आता है। देखिए सबसे पहले इसमें कितने होंगे, ऑक्ट का मतलब कितने कार्बन होता है, 8, आप एल्केन बना लीजिए 18, CnH2n+2। अब देखिएगा ईन का मतलब, मैंने आपको सिखाया था पढ़ाते समय, ईन का मतलब डबल बॉन्ड लाना है, यानी दो हाइड्रोजन हटाने हैं तो माइनस कर दिए 2H, देखते रहिएगा। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो माइनस कर दिए 4H, यदि इनको इससे माइनस कर दिया जाए तो बताइए क्या मिलेगा, C8H।
18 से 6 गए 12, एटम बताइए कितने हैं, 12 प्लस 8 20, इससे एक कम यानी 19 होंगे सिग्मा बॉन्ड्स। पाई देख कितना आसान, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं 2, इन इसमें कितने पाई होते हैं 1, 1 प्लस 2 बराबर 3 पाई यानी 19 सिग्मा 3 पाई। समझ में आ गया कि फॉर्मूला बना के भी निकाल सकते हैं, पर ये एक आसान सा तरीका होता है। मैंने एल्केन लिखी, इन में 2 हाइड्रोजन कम किए जाते हैं, आइन में 4 हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, तो लास्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलते हैं। विच ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला हैव करेक्ट आईयूपीएसी नेम, आइए इनके नाम निकालना है। पहले इससे शुरू करें, पेरेंट चेन का सिलेक्शन, क्या ये चलेगी, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो गया 2,2, और कहाँ पे है भैया ग्रुप कोई लगा है देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन, पर ये तो पता नहीं क्या रखा है 3-propyl, तो गलत हो गया। इस पे आ जाओ भैया, ये रही आपकी पेरेंट चेन, नंबरिंग 1 2 3 4, 2-methylbutane बिल्कुल सही नाम, बाकी ऑप्शन देख लीजिए फिर भी आप, सही तो मिल ही गया है। आइसोप्रोपाइल कोई आईयूपीएसी नेम नहीं होता, इसमें क्या गलती है भाई, ये तो हो गई आपकी पेरेंट चेन, ये तो आपकी हो गई है पेरेंट चेन, नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3, इधर से के इधर से इधर से, क्योंकि इधर से साइड चेन 3 नंबर पे है, इधर से 4 नंबर पे, तो इसका नाम हो गया 3,4,4, पोजीशन गलत लिखी है, ये नहीं होगी, तो आंसर हो गया है सेकंड। आइए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लीजिए करें मेटामर्स का पेयर कौन सा है ये पूछ रहा है, सिंपल सा सवाल है। देख भाई मेटामर में फंक्शनल ग्रुप सेम, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, यहाँ कीटोन या एल्डिहाइड बेकार हो गया, ये भी एस्टर ये भी एस्टर, अब ध्यान से देखना इन दो एस्टर्स को, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, यहां ओ से जुड़ा है CH3 यानी मेथिल, यस, और यहां ओ से जुड़ा है फिनाइल, क्लियर, इधर आ जा भाई, इधर क्या जुड़ा है सी डबल बॉन्ड ओ से CH3 और इधर सी डबल बॉन्ड ओ से फिनाइल, यानी ये फंक्शनल ग्रुप तो सेम है दोनों में, पर इनसे जुड़े हुए एल्किल ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये मेटामर्स, ये बिल्कुल मेटामर नहीं है, क्योंकि NH2 में मेटामरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकती। आगे देख लीजिए एक और ऑप्शन है भी हमारे पास, ये भी बिल्कुल मेटामर्स नहीं हो सकते, यहाँ पर पोजीशन बदल रही है पर मेटामर्स नहीं है। ये थे क्वेश्चंस के 2020 सीरीज का दूसरा सेट, आज केवल यहाँ तक, अगले टेस्ट नंबर 3 में हमारे पास आएगी केमिकल काइनेटिक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, अगले लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे, आज केवल यहाँ तक, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।